सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वाले एपिसोड पर हमने अपने गोलम शॉर्ट पर पूरी 10 हॉट पोटैटो बुक्स लगाई थी। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में विजिटर स्लॉट और मिनियन स्लॉट कैसे ले सके। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में 5 लाख कॉइंस का गिव अवे होने वाला है, तो आप जल्दी से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर दो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस, आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जल्दी से ज्वाइन कर देना। और गाइस, जो गिव अवे है वो मेरे डिस्कॉर्ड के 250 मेंबर्स जैसे ही होंगे वैसे ही गिव अवे हो जाएगा। सो गाइस, चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर विलेज में पहुँच चुका हूँ। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे कम्युनिटी शॉप में आना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको इसके पास आना है। उसके बाद इस पर क्लिक करके गाइस, आप ऊपर देख सकते हैं मेरे पे 675 जेम्स है जो मुझे वोट करने से मिले हैं। और गाइस, आपको अगर वोट करना नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं फ्री बिल्डर वॉन्ड वाली, वहाँ पे मैंने बता रखा है कि आप वोट कैसे कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मिनियन स्लॉट मिलता है और विजिटर स्लॉट मिलते हैं, ब्लॉक जैपर, बिल्डर वॉन्ड और नाइट फ्रीज़र और डे फ्रीज़र भी मिलते हैं। और गाइज, यहाँ पर बहुत सारे आइटम मिलते हैं, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। सो गाइज, मैं तो यहाँ पर सबसे पहले विजिटर स्लॉट बाय कर देता हूँ, क्योंकि गाइज मेरे आइलैंड में बहुत सारे विजिटर आते रहते हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैं विजिटर स्लॉट बाय करूँगा जो कि सिर्फ 50 जेम्स का है, तो यहाँ पे जल्दी से विजिटर स्लॉट बाय कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पर इसको एक्टिवेट होने में टोटल 2 डेज लगेंगे, तो मुझे 2 डेज तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो तब तक मैं यहाँ पर मिनियन वाले स्लॉट भी बाय कर देता हूँ, जिसका प्राइस 500 जेम्स है। तो यहाँ पे मैंने बाय कर दिया, शायद ये एक्टिवेट हो गया होगा, तो यहाँ पे एक्टिवेट तो हुआ नहीं है, तो एक और बार ट्राई करते हैं। सो गाइस, वहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब तक मेरा विजिटर वाला वो कम्प्लीट नहीं होगा तब तक मैं कोई और स्लॉट बाय नहीं कर पाऊँगा। तो इसका मतलब मुझे मिनियन स्लॉट के लिए 2 डेज़ वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, कोई बात नहीं, 2 डेज़ बाद मैं वीडियो को दोबारा से बनाऊंगा, तो तब तक अपने आइलैंड में चलते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर ये जो सामने वाला ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आजकल मुझे उतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि गाइस ये एरिया को मुझे बहुत बड़ा बनाना है और इसके लिए चाहिए बिल्डर वॉन्ड। और गाइस, मुझे एक बंदा भी मिल गया जो मुझे बिल्डर वॉन्ड दे रहा है, और वो भी गाइस थोड़े टाइम के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि वो बंदा कौन है, और मैं नेक्स्ट वीडियो पर ये पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा ये पूरा आइलैंड। तो अभी मेरे आइलैंड में एक विजिटर आ रखे हैं, रोहित भाई। सो गाइज, ये भाई रोमित भाई है, ये हमारे सब्सक्राइबर है, हमें बीच बीच में विजिट करते रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इनको 20 के कॉइंस चाहिए। सो गाइज, मैं यहाँ पे इनको 20 के कॉइंस दे देता हूँ, क्योंकि गाइज ये मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर और वीडियोज़ पर भी कमेंट करते रहते हैं। और गाइज, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मेरे आइलैंड में बहुत सारे बंदे आते हैं और वो मुझसे गिफ्ट मांगते रहते हैं। और गाइस, कितने सारे बंदे तो मुझसे गोलम सोड और गोलम आर्मर भी फ्री में मांगते रहते हैं। तो गाइस, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं वो सब आपको फ्री में नहीं दे सकता हूँ। और गाइस, अगर आपको फ्री में कोई सा भी आइटम चाहिए तो मेरा डिस्कॉर्ड का गिव अवे ज्वाइन कर देना। सो गाइस, फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 2 डेज़ के बाद मैं ऑनलाइन आ चुका हूँ, और अभी यहाँ पे मैं विलेज में आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि ये कम्प्लीट हो गया है। तो अभी यहाँ पर गाइस जल्दी से इसको क्लेम कर देते हैं। सो गाइस, अभी ये क्लेम हो चुका है, तो अभी यहाँ पर मैं जल्दी से मिनियन स्लॉट को अपग्रेड के लिए लगा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मेरी गेस्ट लिमिट लेवल 2 की हो चुकी है, और इसको लेवल 3 का करने के लिए भी मुझे सिर्फ 50 जेम्स ही लगेंगे, तो इसको बाद में अपग्रेड करने का देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी मिनियन स्लॉट लगा दिया है लेवल 2 के लिए 500 जेम्स का, तो इसको अपग्रेड होने के लिए 1 डे का टाइम लगेगा, तो इसके लिए भी वेट कर देंगे। उसके बाद मेरे पे टोटल 13 मिनियंस हो जाएंगे मेरे आइलैंड में। सो गाइस, अभी जल्दी से चलते हैं अपने आइलैंड में। और गाइस, यहाँ पे मैंने रिसोर्स पैक चेंज करा था चेक करने के लिए कि यह वाले रिसोर्स पैक से कैसा दिखता है, लेकिन इससे तो मेरा मशरूम आर्मर ही एकदम बेकार दिख रहा है, इसके पैंट एकदम गोलम आर्मर की तरह लग रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि गाइस अभी मेरे पास गाइस बैंक में 0 कॉइंस है, मेरी यह वाली जो चेरी वाली प्रोफाइल है इसमें, और पर्स में 700 कॉइंस है। और गाइस,
ये मेरी जो दूसरी प्रोफाइल है लेमन वाली, ये वाली प्रोफाइल पर भी बैंक में 0 कॉइन्स और पर्स में 34,000 के आसपास कॉइन्स हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरे पे बिल्कुल कॉइन्स नहीं है, क्योंकि गाइज ये जो ऑक्शन नया नया आ रखा है तो यहाँ पे बंदे आइटम को कम प्राइस में सेल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर से बहुत सारे सुपर कम्पैक्टर बाय कर दिए और एन्चेंटेड लावा बकेट बाय कर दी है, तो अभी मेरे पास बहुत कम कॉइन्स है। सो गाइज अभी यहाँ पे एक गेस्ट लिमिट देख लेते हैं। गाइज मेरे पे 2 की गेस्ट लिमिट हो चुकी है। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।